हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ नमकीन सिवैया। वैसे तो सिवई मीठी बनती है, लेकिन मैं आज आपको सब्जियों से बनी अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट सिवई बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम लोग सिवई बनाते हैं। यहाँ पर मैंने दो कटोरी सिवई ली हैं। आप अपने हिसाब से दो कप या दो कटोरी सिवैया लीजिएगा कच्ची। इसको मैं अच्छे से दो टेबल स्पून तेल डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, ये दो कटोरी सिवैया हैं। ये मैंने यहाँ पे सिवई को कढ़ाई में दो टेबल स्पून डालकर तेल अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से भून जाने के बाद ये इस कलर इस तरह की हो जाएगी। आप अच्छे से सिवई भूंजिएगा। यहाँ पे मैंने मसाले लिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च, सब्जी मसाला, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैंने सब्जियाँ चॉप करके धर ली है। यहाँ पे दो मैंने हरी मिर्च और दो प्याज मीडियम साइज में काटा है, एक शिमला मिर्च और एक आलू बड़ी साइज की, दो टमाटर और यहाँ करी पत्ता लिया मैंने, जो मैं बाद में चाकू से कट करके डालूंगी। और ये मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है। यहाँ पे मैंने जब सिवई अच्छे से फ्राई कर उसमें अच्छे से मैंने फ्राई कर ली थी, यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में मैंने तीन टेबल स्पून तेल डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकती हैं। यहाँ तेल हल्का सा हुआ था, मैंने राई डाल दी ताकि वो अच्छे से चटक जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालूंगी, इसको अच्छे से चला दूंगी। तेल मेरा कम हुआ था, आप अच्छे से और तेल हो जाने दीजिएगा। ये देखिए, आप इसको अच्छे से चला दीजिएगा। राई अच्छे से चटक गई है, उसी टाइम पे मैं थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। प्याज मैं ज़्यादा नहीं भूंजूंगी, थोड़ा कम ही भूंजूंगी। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा डार्क प्याज करनी है तो आप अच्छे से और प्याज को डार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं तुरंत शिमला मिर्च डालूंगी, इसको हल्का सा एक दो बार चलाने के बाद मैं तुरंत आलू भी डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को मैं थोड़ी देर अच्छे से पकने दूंगी। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकती हैं। सर्दियों के मौसम में मटर आती है, गाजर आती है, बंदा आती है और बहुत सी सब्जियां आती है, जिससे ये और भी स्वादिष्ट सिवई बन जाती है। अब यहाँ पे मैं तुरंत करी पत्ता भी काट के डाल दूंगी। करी पत्ता काट के डालने से ये होता है कि बच्चे खा लेते हैं। अगर हम लोग ऐसे समूची अगर ऐसे डालेंगे लीव्स उसकी, तो बच्चे हटा के अलग कर देते हैं, इस तरह वो खा लेंगे। यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर चलाने के बाद मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी जो हम लोगों ने निकाले थे। मैं यहाँ पे सब एक एक चम्मच डाल रही हूँ सारे मसाले, और थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। आप इसको अच्छे से चला दीजिएगा। अच्छे से चलाने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए बंद करेंगे ताकि ये सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जितने मसाले हैं सब अच्छे इसमें पक जाएं। ये देखिए, मैंने ढकने से पहले इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डालें। इसको चलाने के बाद फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए बंद करूंगी। सिवई खाने में बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगेगी। वैसे मेरे घर में सबको मीठी कम नमकीन सिवैया ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर सिवई नमकीन ही बनाती हूँ। अब यहाँ पे सब्जियाँ 5 मिनट अच्छे से सॉफ्ट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो टमाटर काट के रखे थे वो भी इसी में ऐड कर दूंगी और इसको मैं ऐसे ही थोड़ी देर पकाऊंगी। इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए बंद करूंगी जिससे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने धीमी आंच करके रखी थी। धीमी आंच में ही सारे मसाले, आलू और जितनी चीज़ें से तो मैंने पकाई थी। और यहाँ पे मैंने जो सिवैयाँ अच्छे से लाल करके पकाई थी, उसको फ्राई किया था, उसी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, आप मसालों में मिक्स करने के बाद सिवई को अच्छे से चलाएंगी। और यहाँ मैंने मेजरमेंट पानी का इस तरह से रखा है कि 2 कटोरी अगर आप सिवई लेंगी तो उसमें 3 कटोरी पानी आप डालेंगी। इससे पानी ज़्यादा ना हो, न तो सिवई बहुत गीली बनेंगी। ये देखिए, मैंने 2 कटोरी में 3 कटोरी पानी डाला है सिवई में। ये देखिए, आपको इस तरह से इसको अच्छे से चलाने के बाद नमक हम लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया था। अब हम इसको मीडियम आंच में करीबन 5 मिनट के लिए बिना खोले इसको 5 मिनट ढके रहने देंगे और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। आप उससे पहले मत खोलिएगा। 5 मिनट बाद देखिए, इसने पूरा पानी सोख लिया अच्छे से, बिल्कुल हल्का सा पानी बचा है। उसके बाद उसको जब हम लोग दोबारा बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, फिर से इसको हम 2 या 3 मिनट के लिए, 2 या 3 या 5 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से ढक देंगे। इसको बार बार खोल के मत चलाइएगा, ज़्यादा चलाने से सिवैयाँ टूट जाएंगी। बस इसको हम 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। 5 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँ, देखिए सिवैयाँ कितनी खिली खिली बनी है। आप सिवई
तब खोलिएगा जब आप गैस बंद करिएगा, उसके 5 मिनट के बाद सिवई खोलेंगी तो वो और भी अच्छी बनेगी और खिली खिली बनेगी। ये देखिए सिवई बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड करती हूँ। ओके बाय। Oh, 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 oh